नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की निकाली गई है वैकेंसी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की 11 वैकेंसी निकाली गई है। इनमें 5 अनारक्षित है, जिसके बाद 1 EWS, 2 SC और 3 OBC के लिए अनारक्षित है। आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी से 27 जनवरी 2021 तक होगी। इच्छुक उम्मीदवार www.upenergy.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में BE या BTEC की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात तो लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू भी लिया जाएगा, साथ ही लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बिहार के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे 4 जनवरी से। बिहार सरकार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 4 जनवरी से खोले जाएंगे। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी स्कूलों के सीनियर सेक्शन खोले जाएंगे, साथ ही हॉस्टल को भी खोले जाने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी आदेश में कहा है कि सरकार सभी स्कूलों को मुफ्त में मास्क देगी। सभी सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त में मास्क दिया जाएगा। पहले सीनियर सेक्शन के स्कूल खोले जाएंगे, फिर 15 दिनों की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद जूनियर क्लास के स्कूल को खोला जाएगा। बता दें, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में उक्त फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी है। सारण के गौतम स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम ऋषि का आश्रम सारण जिले के रिवीलगंज नगर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान की प्राचीन एवं धार्मिक मान्यता ये है कि जब गौतम ऋषि ने क्रोध में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, तब कई सौ वर्षों बाद भगवान राम ने उनका उद्धार किया। गौतम स्थान रिवीलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और सरयू नदी के संगम स्थल पर हर साल लगने वाला गोदना सिमरिया नहान मेला धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्रीराम का पद चिन्ह आज भी मौजूद है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में आए लोगों का दर्शन का केंद्र बिंदु होता है। अब सभी गांव कस्बों में लगाए जाएंगे 12 वाट के LED बल्ब। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के सभी गांव में 12 वाट के सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। यह बल्ब LED होगी। इससे न केवल गांव की गलियां जगमगा जाएंगी, बल्कि इससे बिजली का भी बचत होगा, जिसके बाद सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकार संबंधित विभाग की तरफ से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बल्ब लगाने के लिए पंचायती राज विभाग ने बिजली कंपनी को पत्र भेजा तो बिहार रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, चुनावी मैदान में उतरने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 की घोषणा की थी। इसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य तय हुआ था। जल्द ही 5,850 की लागत से तैयार होगी 124 किलोमीटर की लंबी सड़क। आने वाले 2 साल में मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस सड़क पर निर्माण की सभी बाधाएं वर्तमान समय में दूर कर ली गई हैं, जिसके बाद इस 124 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण पर लगभग 5,850 करोड़ खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस सड़क के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। इस सड़क का निर्माण पैकेज में करवाया जाएगा। निविदा प्राप्त की अंतिम तारीख 18 दिसंबर है। फरवरी तक आधार से जुड़ेगी नल जल योजना। राज्यभर में मुख्यमंत्री नल जल योजना के लाभुकों को आधार से जोड़ा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार फरवरी महीने तक सभी हाउस होल्ड के मालिकों के आधार कार्ड को विभाग से जोड़ा जाएगा। इससे हाउस होल्ड का सत्यापन कभी भी हो सकेगा। इसके बाद PHED ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फरवरी तक आधार से जोड़ने का काम किसी भी हाल में पूरा कर ले। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी लाभुक आधार से जुड़ जाएंगे तो नल जल की रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वाहन के कागजातों को 31 दिसंबर तक अपडेट करवाना हुआ जरूरी। कोरोना के माहौल में सभी वाहन चालकों को गाड़ी से जुड़े कागजात को अपडेट करवाने की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। हालांकि अब वाहन के कागजात, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट आदि के फेल होने पर जुर्माने की छूट 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सभी वाहन चालकों को हर हाल में 31 दिसंबर से पहले अपडेट करवा लेना होगा, वरना वैलिडिटी फेल कागजातों को जुर्माने के साथ अपडेट किया जाएगा। इस बाबत MVI के त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि फरवरी के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और दूसरे परिवहन से जुड़े कागजात जो फेल हो गए थे, उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपडेट करा लेना होगा।
बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 535 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,45,933 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 179 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सारण में 35 तो वहीं नवादा में 26 मामले सामने आए हैं। अब बिहार के महिला और दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर की मिलेगी सौगात। अगले साल बिहार के शिक्षकों को दूसरे जिले में तबादले की सौगात मिलने जा रही है, जिससे राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को इससे फायदा मिलने वाला है। पुरुष नियोजित शिक्षकों के लिए सामान्यजन पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ करीब 1.5 लाख से अधिक महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाई तबादला संबंधी आदेश अगले साल की शुरुआत में मिलने जा रही है। तबादले की विभागीय समिति इस मामले में ड्राफ्ट तैयार कर रही है। ड्राफ्ट निर्माण अंतिम दौर में, दिसंबर के अंतिम हफ्ते में यह रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है, जिन्हें 1990 के दशक में दूरदर्शन की काल्पनिक टेलीविजन श्रृंखला चंद्रकांता में उनके किरदार के लिए जाना जाता है। उनके अन्य अभिनयों में 1999 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ का रोल शामिल है। उन्होंने अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म लगान में भी अर्जुन का किरदार निभाया था। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण के 2008 के टेलीविजन रूपांतरण में राक्षस राजा रावण की भूमिका निभाई थी। मिश्रा ने 1995 में रिलीज हुए वीरगति में सलमान खान के विरोधी का किरदार निभाया था। जेईई मेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेईई मेंस जनवरी 2021 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 जनवरी है। ऑनलाइन फॉर्म से लेकर परीक्षा और रिजल्ट की सभी प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगा। परीक्षा 23, 24, 25 और 26 फरवरी 2021 तक आयोजित होगी। जेईई मेंस का आयोजन साल में 4 बार फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगा। एनटीए ने कहा है कि स्टूडेंट्स चाहे तो एक बार में ही सत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। बिहार के आईटीआई छात्रों को 200 कंपनियां मार्च तक देंगी नौकरी। कोरोना गाइडलाइन के साथ मार्च महीने तक राज्य भर में देश के लगभग 200 बड़ी कंपनियों को जॉब कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें आईटीआई पास छात्रों को मौका मिलने वाला है। श्रम संसाधन विभाग ने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता सहित अन्य राज्यों से भी जॉब कैंप में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा। इसमें ऐसे छात्रों को भी जॉब मिल सकेगा जो पास हो चुके हैं या पास होने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच में यह रोजगार मेला लगना है। इसमें वैसी कंपनियां होंगी जिससे लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके। बिहार में अमीन बहाली का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 534 अमीनों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से परिणाम जारी कर दिया गया है। इन सभी अमीन को संविदा पर रखा जाना है। रिजल्ट मिलने के बाद सबको नियोजन पत्र दिया जाएगा। इसके बाद सभी को सर्वे में लगाया जाएगा। अभ्यर्थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अमीन के पदों पर भर्ती शुरू की थी। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से मार्च 2019 में आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद से ही यह बहाली लंबित थी। बिहार में जमीन के मैप को लेकर सरकार ने शुरू की नई पहल। बिहार सरकार ने बिहार वासियों के लिए एक विशेष व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके तहत सूबे के किसी भी गांव का नक्शा आसानी से निकाला जा सकता है। पहले प्लॉटरों की सीमा अपने जिले तक की ही थी, यानी कि जिस जिले में गांव का नक्शा चाहिए था उस जिले के प्लॉटर पर जाना होता था, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। अब आप कहीं से दूसरे जिले के किसी गांव का नक्शा निकलवा सकते हैं। राज्य में नक्शे के लिए पहले एक ही व्यवस्था थी। पूरे बिहार के सभी मौजों का नक्शा सिर्फ गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हर जिले में प्लॉटर लगा दिया है। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर सुनवाई की 8 जनवरी को निकाली गई अगली तारीख। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की गई है। इसी बीच सरकार को फिर से जवाब पेश करने को कहा गया है। बता दें कि लालू प्रसाद के मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से यह प्रश्न उठाया गया था कि लालू यादव जेल मैनुअल का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार के आईजी प्रिजन ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक रिम्स में इलाज करा रहे डॉक्टर से रिपोर्ट मांगी थी।
जदयू ने बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट किया अपना स्टैंड। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं से कथित तौर पर मुलाकात की थी, जिसके बाद विभिन्न राज्यों से आए पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल चुनाव को लेकर किसी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। बंगाल से कई साथी आए हुए थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बंगाल से आए हैं उनसे अक्सर बात होती रहती है। कोरोना काल में कहीं बाहर बैठक करना मुनासिब नहीं है, इस कारण पटना पार्टी कार्यालय में ही बैठक होती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। हालांकि चुनाव से संबंधित अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। कोहरे के कारण दिल्ली मुंबई से आने वाली फ्लाइट हुई लेट। कोहरे के कारण शुक्रवार को भी पटना एयरपोर्ट पर विमान का परिचालन देरी से किया गया। सुबह से आने वाली दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट देर से पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को तेज हवा चलने के कारण राजधानी पटना में सुबह में कोहरा कम था, और यही कारण है कि सुबह आने वाली 4 विमानों में से 2 विमान सही समय पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंची है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने वाला है। मंगल पांडे ने जगदीशपुर पीरो बिहटा पथ का काम अगले साल तक पूरा करने की कही बात। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने लगभग 504 करोड़ रुपए के व्यय से निर्माणाधीन बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा पथ का निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बाबत कहा है कि इस पथ के बनने से पटना और भोजपुर जिले की सड़क संपर्कता तो मजबूत होगी ही, पड़ोसी जिले की रोड कनेक्टिविटी भी सुदृढ़ होगी। लगभग 54.51 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है और लगभग 75% कार्य को पूरा कर लिया गया है। परियोजना के पैकेज 9 में आरओबी का कार्य चल रहा है। रालोसपा में माधव आनंद ने फिर संभाली राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की कुर्सी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रधान महासचिव रहे माधव आनंद फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से प्रधान महासचिव की कुर्सी संभाल ली है। निजी और पारिवारिक कारणों की वजह से पिछले 1.5 महीने से सक्रिय राजनीति से माधव आनंद ने खुद को अलग कर लिया था। हालांकि अब एक बार फिर से माधव आनंद बिहार की सक्रिय राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं। माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का जिम्मा फिर से संभाल चुके हैं। कांग्रेस और बसपा के विधायक ने की जदयू नेताओं से मुलाकात। कांग्रेस और बसपा के विधायकों के जदयू के वरिष्ठ नेता से मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है। मिली जानकारी के अनुसार बसपा के एकमात्र विधायक जदयू के दरवाजे पहुंच गए हैं। चैनपुर से बसपा के विधायक मोहम्मद जमा खान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे। बसपा विधायक के साथ कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम भी थे। दोनों विधायकों ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद बसपा विधायकों ने कहा कि वे क्षेत्र की समस्या को लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने आए थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश झा का जन्म आज ही के दिन 1919 में हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 1934 में आज ही के दिन हुआ था। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आज ही के दिन आखिरी सांस 1860 मिली थी। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक ठाकुर रोशन सिंह ने साल 1927 को आज ही के दिन अलविदा कहा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमाशंकर जोशी ने आज ही के दिन साल 1988 में आखिरी सांस ली थी। केंद्र सरकार ने गाड़ियों में फास्टैग नहीं रहने पर 1 जनवरी से 2 गुना टोल टैक्स देने की कही बात। एनएच पर सफर करने वालों के लिए अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जनवरी से फास्टैग नहीं होने पर 2 गुना पैसा लगेगा। बिहार में वर्तमान समय में केवल 70% लोग ही अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवाने में कामयाब हुए हैं। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार आगामी जनवरी से बिहार के सभी टोल प्लाजा पर मात्र 1 काउंटर ही नकदी के लिए होगा। बाकी काउंटर उन गाड़ियों के लिए होगी जिसमें फास्टैग लगे हुए हैं। विकेट चटकाने के बाद लाबुशेन का आसान कैच छोड़ने पर बुमराह हुए ट्रोल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडलेड में हुआ। टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सेशन में भारत की पूरी टीम 244 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही और कंगारू टीम अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह मैच के दूसरे दिन गेंद से जरूर कारगर साबित हुए, लेकिन
फील्डिंग के दौरान उन्होंने मार्नस लाबुशेन का एक आसान सा कैच टपका दिया, जिसके बाद ट्विटर पर लगातार फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद तरह तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। बॉलीवुड में जल्द ही एंट्री करने वाले हैं कैरी मिनाटी। इंटरनेट की दुनिया के बेहद लोकप्रिय चेहरे कैरी मिनाटी अब बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं, जिसके तहत वो जल्द ही अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी मे डे में स्पेशल रोल में दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें, यूट्यूबर कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है। वहीं अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा है, बिजनेस हेड दीपक चार को कुमार मंगत पाठक की तरफ से कॉल आया था, जो अभिनेता अजय देवगन की प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इसका अर्थ है कि मैं जल्दी ही उनके साथ नजर आने वाला हूं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में आने का उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था। मेरा हमेशा से मुख्य मकसद लोगों का मनोरंजन करना रहा है। अब WhatsApp में आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं मैसेज। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने यूजर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नए नए फीचर्स को रोल किया है। वहीं अब WhatsApp का शेड्यूल मैसेज फीचर रोल किया गया है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर ढेर सारे थर्ड पार्टी ऐप्स मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आप SKEDIT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऐप ओपन करें और साइन अप करें। लॉग इन करके मेन मेन्यू में दिए गए व्हाट्सएप विकल्प पर टैप करें। अब आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी। अब आपको इनेबल एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा और फिर यूज सर्विस पर टैप करना पड़ेगा। अब आप जिस भी व्हाट्सएप पर मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट का नाम डालें, फिर मैसेज टाइप करें, समय और दिन सेट करें। यहां आपको आस्क मी बिफोर सेंडिंग का विकल्प मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, गीत भोजपुर, आरके चौधरी, ललित कुमार, गिरधारी कुमारी यादव, सुजीत कुमार, दिनेश मांझी, असलम राज, रविंद्र पासवान, इंद्रजीत पासवान, ओमकार सिंह, रवि कुमार, कुमार राहुल, संजय प्रसाद, गुंजन कुमारी, नरेश कुमार, पुष्पा कुमारी, मंजय कुमार, संजीव गेमिंग। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बंगाल विधानसभा चुनाव में जदयू को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।